फैमिली में जो जो कैरेक्टर्स हमको दिखाई दे रहे हैं उनको हम डिस्कस कर रहे हैं, तो पहले क्लासिफिकेशन से ही शुरू करते हैं। क्लासिफिकेशन में डाइकॉट, अब आपको रट गया होगा डाइकॉट्स के पॉइंट क्या है। डाइकॉट किसे कहते हैं, जिसमें रेटिकुलेट वर्नेशन हमको मिलता है वो होते हैं डाइकॉट्स। डाइकॉट्स के अलावा हमको एक फ्लावर जो है इनका पेंटामेरस मिलता है, दैट इज ऑल्सो द डाइकोटिलेडन कैरेक्टर। फिर उसके बाद क्लास जो आती है वो है पॉलीपेटेली, इसके अंदर जिसके जिसमें कि ये कॉम्ब्रेटेसी फैमिली जो है ये आती है। इसका पॉलीपेटेली का मतलब होता है पेटल फ्री, जो कि हम हर बार पढ़ते आ रहे हैं हर फैमिली को डिस्क्रिप्शन में, हमने यहीं से क्लासिफिकेशन से शुरू किया है। नेक्स्ट सीरीज जो है वो आती है कैल्सी फ्लोरी, जिसमें कप फॉर्मेशन हमको दिखता है प्लेसेंटा में, यानी थैलेमस जो है वो कप शेप का होता है, और ओवरी जो है वो हमको इन्फीरियर, यस वैसे तो जनरली हमको इन्फीरियर मिलती है क्योंकि मेरिटेसी में भी हमने देखा था इन्फीरियर ओवरी थी, पर कुछ केसेस में यहाँ पर सुपीरियर ओवरी भी हमको मिलती है। मेरिटेस जो ऑर्डर है उसमें लीफ जनरली सिंपल होती हैं, बिना कटी फटी यानी एंटायर यानी पूरी तरह से पूर्ण वाली स्थिति, जिसको बिना कटी फटी हम पोजीशन कहते हैं, एंटायर लीफ जो है वो हमको देखने को मिलती है। नेक्स्ट ये ओवरी जो है वो सिनकार्पस होती है, और मेरिटेसी के अंदर मेरिटेल्स के अंदर स्पेशली हमको जो अरेंजमेंट दिखती है उसमें हमको ओवरी जो है वो इन्फीरियर दिखाई दे रही है। तो बात ही समझ में कि मेरिटेल्स के जो कैरेक्टर्स हैं उनमें हमको जो मेन कैरेक्टर्स दिखाई दे रहे हैं उनमें से मेन कैरेक्टर में हमको जो मुख्य बात दिखाई दे रही है, दैट इज़ कि इनकी लीफ जो है वो एंटायर होती है, सिंपल होती है, यानी कि किनारे से कटी फटी नहीं है, चिकनी होती है, और सिंपल मतलब साधारण तरह की पत्ती होती है। ओवरी जो है वो सिनकार्पस होती है, यूजुअली इन्फीरियर होती है ना। तो ओवरी इन्फीरियर, यानी इससे पहले हमने कैल्सी फ्लोरी में पढ़ा था कि ओवरी जो है वो इन्फीरियर तो होती है लेकिन कभी कभार कभार सुपीरियर भी होती है, लेकिन मेरिटेल्स में आके हमको ये कंफर्म हो जाता है कि ओवरीज में इन्फीरियर हमको जनरली दिखेगी। और मेरिटेसी जो फैमिली फैमिली है उसको हम पहले डिस्क्राइब कर चुके हैं, जिसमें कि हमने यूकेलिप्टस पढ़ा था, है ना, कैलस्टिवन पढ़ा था, लेकिन अब हमको पढ़नी है कि फैमिली कॉम्ब्रिटेसी। कॉम्ब्रिटेसी फैमिली जो है इसका दूसरा, इसको हिंदी में कहा जाता है ये बादाम समूह है, मतलब जो इंडियन जो बादाम से संबंधित ट्रीज जो हैं वो इस फैमिली के अंतर्गत आते हैं। अब हम इनके जनरल प्लांट्स को पहले देख लें, कौन कौन से प्लांट हैं जिससे आप इनको पहचान पाओ। तो जब हम विजिट पे गए थे गणेश उद्यान, तो हमने एक पेड़ देखा था जिसका नाम था अर्जुन, टर्मिनेलिया अर्जुना। तो टर्मिनेलिया की जो बहुत सारी स्पीशीज़ हैं वो सब इसमें कॉम्ब्रेटेसी फैमिली के अंदर आती हैं। एनाजीजस पेंडुला यानी धोक, धोक के प्लांट जो हैं वो भी इसके अंदर आते हैं, इस फैमिली के अंदर। और जो प्लांट हम एज अ स्पेसिमेन पढ़ते हैं इस प्लांट को, इस फैमिली को डिस्क्राइब करने के लिए, दैट इज क्विस्केलिस मधुमालती, जिसका मैंने पिक आपको शेयर किया है, और ये बहुत सारे गार्डन्स में आपको ऑर्नामेंटल प्लांट की तरह से लगा हुआ दिख जाएगा। क्विस्केलिस और कॉम्ब्रेटस, ये दोनों जो कॉम्ब्रेटम, ये दोनों जो है बिल्कुल सेम से दिखाई देते हैं, बस इनमें थोड़ा सा फर्क होता है। दोनों के पिंक वाइट फ्लावर होते हैं और बंच में उगते हैं, है ना। रेसिमोस का एक डेंस बंच बन जाता है, इस जैसे कि आपको पिक में भी दिख रहा होगा जो मैंने आपको व्हाट्सएप पे शेयर किया है। तो ये जो इसका जो पैटर्न है इनफ्लोरोसेंस का, वो इसको अपने आप में एक विशिष्टता प्रदान कर रहा है। और ये मधुमालती के पेड़ जो हैं ये आपको कॉमनली आसपास दिखाई दे जाएंगे। और इसका जब हम डिस्क्रिप्शन करते हैं तो ये मेरिटेल्स के तो कैरेक्टर्स दिखाई रहा है, कुछ इसके स्पेसिफिक कैरेक्टर्स हैं जो कि हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ट्रीज जो हम कहेंगे कि कॉस्मोपॉलिटन है, सब जगह ये प्लांट जनरली हमको मिल रहे हैं। और अगर इसके प्लांट की अगर हम देखें प्लांट कैसा दिख रहा है, वेजिटेटिव कैरेक्टर्स देखें, तो इसमें देखिए आपको ट्रीज तो आ ही रहे हैं, बड़े बड़े ट्रीज हैं, लाइक एनाजीसस है आपका, ये टर्मिनेलिया अर्जुना की बहुत सारी स्पीशीज़ हैं जो इसके अंदर इंक्लूडेड होती हैं। तो ये जो है ट्री फॉर्म में ज़्यादा मिलते हैं, और श्रब फॉर्म में भी मिलते हैं, यानी कि श्रब फॉर्म मतलब कि थोड़े हाइट इसके ट्री से कम,
और कुछ लियंस मिलते हैं। लियंस का मतलब होता है वुडी क्लाइंबर। देखिए लियंस में और क्लाइंबर्स जो ट्विनर्स होते हैं ना, उनमें ये फ़र्क होता है। लियंस का मतलब होता है वुडी क्लाइंबर, जिनके की स्टेम जो है वो वुडी होते हैं और मतलब कड़क तना है इसका, फिर भी ये जो है किसी सहारे के साथ में ऊपर की तरफ चढ़ते हैं। तो ऐसे जो प्लांट होते हैं उनको हम लियंस कहते हैं। तो लियन ये जो मधुमालती है ये लियंस में आती है, ठीक है। तो उसको सहारे की ज़रूरत है, लेकिन इसका स्टेम जो है वो डी होता है। पत्तियाँ इसकी ऑलमोस्ट अगर हम नॉर्मल देखें तो इसमें हमको सिंपल टाइप की दिखाई दे रही है। अगर पहचानने के लिए हम देख रहे हैं, दिस इज़ द फील्ड रिकॉग्निशन, मतलब आप अगर किसी खेत में जा रहे हो तो आपको किस तरह के प्लांट, किस तरह से इसकी पहचान हो सकती है, इसलिए ये आपको फील्ड रिकॉग्निशन के कुछ पॉइंट दिए हुए होते हैं। और फ्लावर का बंच आपने देखा ही है, किस तरह से बंच में फ्लावर्स आ रहे हैं। और फिर वही बात की जैसे कल हमने हाइपोक्रेटरी फॉर्म बार बार शब्द यूज़ किया था, वैसे ही यहाँ पर भी कैलेक्स जो है एक हाइपेंथियम बना देते हैं। हाइपेंथियम भी एक ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर है जो यहाँ पर कैलेक्स फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। तो ये पूरा डिस्क्रिप्शन जो है ये आपको दिखाई दे रहा है कि ये प्लांट जो है कैसे पहचान में आता है। एक सेकेंड, कौन है? बोले शाम को आ जाए, ठीक है। कॉम्ब्रेटम फैमिली जो है इसमें आपको 20 जेनराइज एंड 600 स्पीशीज दिख रही है। जैसा कि हम देखते हैं इसको ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल कंट्रीज में या एरियाज के अंदर ये उगती है, और हमारे यहाँ इंडिया के अंदर जो इसकी वैरायटीज हैं वो मैक्सिमम आपको साउथ इंडिया में मिलेंगी या बंगाल रीजन के अंदर मिलेंगी। अलमंड जो है, बादाम जिसको कहते हैं, उसके नाम पर ये फैमिली का नाम जो है वो हमने ये कॉम्ब्रेटेसी रखा है। इसके जो कॉमन मेंबर्स जो हमको मिलते हैं आसपास या गार्डन्स में, अरे यही होगा भाई, मैं लेके थोड़ी बैठी हूँ। तो कॉम्ब्रेटम जो है ये मेन प्लांट है, और इसके साथ ही क्विस्केलस जो है वो कॉमनली हमको राजस्थान में मिलता है, ठीक है। टर्मिनेलिया इंडिका के प्लांट्स जो हैं उनको हम कल्टीवेट करते हैं बिकॉज ऑफ इट्स इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। क्या मेडिसिनल वैल्यू है इसकी, ये आप जानते हैं। अर्जुन की छाल का बहुत ज़्यादा उपयोग होता है आयुर्वेदिक औषधीज बनाने के लिए। और इसकी कुछ जो प्लांट हैं वो हमें डेल्टास रीजन जो है यानी मैंग्रोव फॉरेस्ट एरियाज के अंदर भी मिलते हैं। तो जो मेन हमको जो प्लांट पढ़ रहे हैं उनमें से हम कॉमनली जो प्लांट्स को डिस्कस करते हैं वो हैं हमारे इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की हम इनकी बात कर लेते हैं। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट जो प्लांट हैं ये ऑर्नामेंटल वैल्यू के तो हैं ही, इसमें तो कोई बात ही नहीं है। सभी प्लांट्स में आप ऑर्नामेंटल वैल्यू लगा सकते हैं बिकॉज कि इनमें क्विस्केलिस है या कॉम्ब्रेटम है, इन दोनों में एक अलग सी स्मेल होती है ना। तो ये फ्रेग्रेंस के लिए इन प्लांट्स को यूज़ किया जाता है। और जो इसका मधुमालती है, इसका एक कॉमन नेम है जिसको हम कहते हैं रंगून क्रीपर। तो रंगून क्रीपर जो है और जो कॉम्ब्रेटम है, दोनों ही ऑर्नामेंटल वैल्यू के प्लांट्स हैं। टर्मिनेलिया अर्जुना का पहले ऑर्नामेंटल वैल्यू में यूज़ होता था, टिम्बर भी इससे मिलती है और इसकी मेडिसिनल वैल्यू भी होती है। मेडिसिनल वैल्यू मतलब कि जो इसकी बार्क है वो यूज़ होती है, इसका जो फ्रूट है वो भी यूज़ होता है। आपने कमरख नाम से जानते होंगे आप इसे, कमरख करके एक जो एक वेजिटेबल आती है, कई बार उसको यूज़ करते हैं, वो इन प्लांट से मिलती है। दूसरी इसकी एक फैमिली जो मेंबर है, एक अलग इसकी वैरायटी है, दैट इज टर्मिनेलिया बैलेरिका। ये जो है ये बड़े बहेड़ा है, आपने नाम सुना है ना आयुर्वेद में, आंवला बहेड़ा, हरड़ आंवला बहेड़ा से त्रिफला बनता है। तो त्रिफला जो फॉर्म करने में जो आप बहेड़ा यूज करते हो दैट इज दी टर्मिनेलिया। और ये बहुत सारी और आयुर्वेदिक प्रिपरेशंस में यूज़ किया जाता है। इनकी लीव्स भी यूज़ होती हैं और इनका जो बार्क है वो भी यूज़ हो रहा है, और इनके जो फ्रूट हैं वो भी यूज़ होते हैं। सीड्स भी इनको जो है वो डिसेंट्री और मलेरिया वगैरह के उपचार में काम में आता है। एंटी हेलमिंथिक ड्रग्स भी इनसे मिलती है कॉम्ब्रेटम से।
और इसके अलावा एडिशनली अगर हम बात करें तो जो टेनिन इंडस्ट्रीज़ है, लेदर क्लीनिंग की जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं और डाई करने की जो इंडस्ट्रीज़ है, उसमें भी टर्मिनेलिया की बार्क को काफ़ी यूज़ किया जाता है। तो ये देख लीजिए, आपने आपको समझ में आ गया होगा कि टर्मिनेलिया इंडिका जो एक प्लांट है, उसी की अलग अलग जो स्पीशीज़ और वेराइटीज़ हैं, उनसे हम तरह तरह के मेडिसिनल और इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की चीज़ें बनाते हैं। टर्मिनेलिया कटाप्पा जो है इंडियन आलमंड कहलाता है, जो कि इडेबल होता है, खाया जाता है ना। तो ये हुआ आपका इसके बारे में जनरल जो आइडिया, जिससे कि आप इस फैमिली से पहचान बढ़ा लो अपनी, जान पहचान बढ़ जाती है तो अच्छे से समझ में आती है किस तरह के प्लांट होंगे। आजकल आपने देखा होगा ऑर्नामेंटल प्लांट की तरह से टर्मिनेलिया के कुछ स्पीशीज लगती है, जिसमें नकली बादाम कहते हैं इसको, बिल्कुल बादाम जैसा प्लांट होता है, उसमें सीड्स भी बादाम जैसे आते हैं, और वो जो है वो एक्चुअली ईडेबल नहीं होते, डेकोरेटिव प्लांट होते हैं। तो ये आपने देख ही लिया है। ये जो आपको दिया होता है सिस्टमेटिक्स एंड फाइलोजेनी, इसमें एक्चुअली एफिनिटीज़ बताते हैं, एफिनिटीज़ किसकी किससे, कौन सी फैमिली जो है वो किससे रिलेटेड है। जैसे बैंथम हुकर ने इसको मेरेटेल्स के अंदर रखा है, तो ये मेरेटेसी से क्या हुई, संबंधित हो गई। तो आपका जो एक सिलेबस में जो नाम दिया हो ना, इवोल्यूशनरी पैटर्न बताना है आपको, तो यहाँ से आपको हिंट मिल जाती है कि कॉम्ब्रेटेसी फैमिली जो है वो किससे किस ऑर्डर के अंदर कनेक्ट कर रही है। यानी दोनों देखो, कॉम्ब्रेटेसी भी मेरेटेल्स की मेंबर है और मेरेटेसी भी मेरेटेल्स की के ग्रुप में आ रही है, तो इसका मतलब इन दोनों में आपस में क्या होगा, कोरिलेशन होगा। दोनों कैलिसी फ्लोरी की मेंबर है, दोनों पॉलीपेटेली में आती है। तो आपको यहाँ से इन छह फैमिलीज के अंदर जब आप आंसर तैयार करें, तो उनमें आप रिलेशंस यहाँ से पढ़ सकते हैं, सबके बीच में, सब फैमिलीज के बाद में मैंने ये सिस्टमेटिक फाइलोजेनिक पोजीशन दी, मतलब लिखी हुई है सबके। तो आप थोड़ा पढ़ते वक्त इस चीज़ को भी पढ़ लेंगे, तो जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि अकॉर्डिंग टू बैंथम बुकर ये जो है दोनों फैमिलीज कोरिलेट कर रही है। ठीक है, फिर तख्ताजान कॉर्नक्विस्ट हॉर्ने ने शायद अलग अलग तरह से इनको क्लासिफाई करके अलग अलग ग्रुप्स के में इंक्लूड किया होगा, लेकिन हमको यहाँ पता चल रहा है कि भाई ये मेरेटेसी जो फैमिली है उससे क्लोजली रिलेटेड है, क्योंकि दोनों एक ही ऑर्डर के अंदर आ रही है। आ गई बस समझ में? तो थोड़ा सा दिमाग लगा के पढ़ो, नंबर तो वैसे भी शायद मिल जाएंगे, लेकिन जो चीज़ अगर आप बिल्कुल पिन पॉइंट आप उस चीज़ का आंसर दे रहे हो जो पूछा जा रहा है आपसे क्वेश्चन में, तो अच्छी संभावना होती है, अच्छे मार्क्स मिलते हैं आपको। और टैक्सोनॉमी में क्योंकि लुटियार बहुत डूबती है, तो थोड़ा सा आप उसको ध्यान से पढ़ लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और उनको कोरिलेट करके पढ़ोगे ना, तब जाके समझ में आती हैं चीज़ें कि भाई हमको प्लांट एकदम से याद आ जाए, और हमको आधा डिस्क्रिप्शन तो वैसे ही याद आ जाता है अगर हम फ्लावर को और प्लांट को याद कर लेते हैं, रिप्रेजेंटेटिव मेंबर को। और जैसा मैं इतने दिनों से आपको कह रही हूँ, अगर आपके पास ऐसे फ्लावर्स मिल रहे हैं, वैसे भी तो अगर कॉलेज आते तो भी तो आप ढूंढते हैं ना इधर उधर से प्लांट, तो अगर आपको मिल रहे हैं तो ठीक है, अदरवाइज तो फिर हम अगर 18 से खुल रहे हैं तो फिर करवाएंगे इसे ही प्रैक्टिकल कहीं ना कहीं से अरेंज करके। तो अपने लेवल पे भी आप देखो, कहीं आपको मिल जाते हैं तो। डिस्क्रिप्शन हम शुरू कर रहे हैं फैमिलीज का, देखिए जनरल हैबिटेट में हम कहाँ से शुरू करेंगे, इसके स्टेम कैसे हैं, और रूट के बारे में अगर बोलें तो रूट तो क्योंकि प्री स्पीशीज़ हैं ये, तो जनरली टैप रूट सिस्टम और हाईली ब्रांच्ड स्प्रेड टैप रूट सिस्टम हमको इनमें मिलता है। ठीक है, जो ये फैमिलीज़ हैं इसमें हमको वुडी प्लांट्स मिल रहे हैं, अर्बोरेसेंट टाइप के, और कंसिस्टिंग ऑफ टॉल ट्रीज, मेनली टॉल ट्रीज हैं, और वुडी ट्विनर्स हैं, ट्विनर्स मैंने आपको बता दिया, लियंस भी इनको हम कह रहे हैं। तो ये जो है ये मतलब इनकी काष्ठीय तना है, हालांकि ये बेलें हैं लेकिन काष्ठीय बेल हैं। तो ये कॉम्ब्रेटम है, क्विज के लिए दोनों ही आपको इस तरह की बेल जो है जिनमें की स्टेम हार्ड होता है वैसे मिलते हैं। ठीक है, रूट का मैंने सिस्टम बता ही दिया आपको, टैप रूट सिस्टम मिलेगा। स्टेम जो है उसकी अगर हम बात करें तो स्टेम हमको जैसे मिरेटेसी के अंदर मिल रहा था, सॉलिड होता है और वुडी है, ग्रीन है ना, और जो लोअर पोर्शन है वो वुडी होता जाता है ना इसके, और इस पर प्रॉपर बार्क मिलती है हमको, और इसमें लार्ज म्यूसिलेजिनस सैक जो है वो प्रेजेंट होते हैं, जो कि इसमें हल्का सा चिपचिपापन जो है नॉर्मल जो फ्रेशली फॉर्म्ड जो स्टेम है उनमें हमको दिखता है। और यहाँ पे एल्केलॉइड्स लाइक टेनिन,
और कुछ और एल्केलॉइड्स जो हैं उनकी प्रेजेंस बहुत ज़्यादा दिखती है हमको। ये एल्केलॉइड्स ही हम यूज़ करते हैं जब हम इसकी छालों को यूज़ करते हैं मेडिसिनल इम्पोर्टेंस के लिए। और टेनिन इनके अंदर मिलता है, इसीलिए इसको लेदर इंडस्ट्रीज़ के अंदर जो लेदर क्लीनिंग है उसमें यूज़ किया जा उसमें इस्तेमाल किया जाता है। तो ये हुआ इसके स्टेम के बारे में बात। और स्टेम पर प्रॉपर बार्क है जिसको हम वहाँ से आराम से हटा के और निकाल सकते हैं, जिसको कि हम कलेक्ट करते हैं, है ना, अर्जुन की छाल को जनरली। जो आप इसके लिए इसकी छाल को मत निकालने बैठ जाना, बट हाँ जो ट्रीज है उनकी प्रॉपर बार्क को समय समय पर निकाला जाता है या हटाया जाता है, जिसको कि एल्केलॉइड्स को एक्सट्रैक्शन में यूज़ करते हैं। लीव्स की अगर हम बात करें तो लीव्स आप देखिए, प्लांट आपने देखा मैंने आपको फोटो भी भेजा है और आप यहाँ भी आप देख सकते हैं, सिंपल टाइप की लीव्स हैं, बिल्कुल एक दूसरे के सम्मुख हैं, एक या फिर एकांतर क्रम में लगी हो सकती है। यहाँ पर हमको सम्मुख दिख रही है, जैसे कि उसके लिए इसमें दिखती है हमको। तो ये जो प्लांट है उसमें हमको सम्मुख और सिंपल टाइप की लीफ दिख रही है, जिसमें रेटिकुलेट वेनेशन है। पतली ग्रीन कलर की पत्तियाँ होती हैं, लेदरी नहीं होती, जैसे हमने कल रूबियस ही पढ़ा था तो हमको लेदरी लीव्स दिखी थी, है ना। यहाँ पे पतली पतली हैं लीव्स और इनमें स्टिप्यूल जो है वो नहीं मिल रहे, मार्जिन कटी फटी नहीं है कहीं से भी। आपने अभी देखा कहीं से भी इसकी मार्जिन जो है उसमें ना तो कांटे जैसे कुछ स्पाइंस निकल रहे हैं, ना ही कुछ और डिज़ाइन बन रही है, बिल्कुल चिकनी इसमें मार्जिन्स आपको दिखाई दे रही है। यहाँ पर कोलाइन एंड रैमल भी आप इसको लिख सकते हैं, बिकॉज दोनों स्टेम पर, मेन स्टेम पर और ब्रांचेस दोनों पर आपको लीव्स दिखेंगी। तो ये हुआ आपका लीव्स का डिस्क्रिप्शन, जो जो थोड़ा सा एक आध पॉइंट आप और ऐड करके इसको अच्छे से लिख सकते हैं। जब इस पत्ती पर आप थोड़ा हाथ फेरोगे ना तो थोड़ी सी आपको कहीं कहीं पे वूली अपियरेंस दिखाई देती है, तो जो पत्ती हम प्लांट जब करेंगे तब उसके बारे में डिस्क्रिप्शन अलग से कर लेंगे। इनफ्लोरोसेंस जो है ये है रेसिमोज और पेनिकुलेट, यानी डेंस रेसिमोज अगर कहेंगे ना, सघन रूप से रेसिमोज मतलब जिसमें जो असीमाक्ष है ना, तो असीमाक्ष में अगर सघन रूप से विन्यासित होकर इन्फ्लोरोसेंस बनता है, और वो भी इसमें भी फ्लावर आपने देखे कुछ के इसमें लटके हुए दिखाई दे रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि जैसे कि ब्रांच स्पाइक बन गई है। तो ये जो है डेंस रेसिमोज रेसीम स्पाइक हो या स्पाइक टाइप का इन्फ्लोरोसेंस हमको कुछ स्केलिस में या फिर कॉम्ब्रेटम में मिलता है ना। लेकिन एनर्जीजस आप ले लीजिए, इनके अंदर आपको जो है रेसिमोज हेड बना हुआ दिखता है, जैसा कि आपने कल उसमें पढ़ा था ना, कदम में, कदम का फोटो भेजा था मैंने आपको, हेड मतलब गोला सा बन जाता है फ्लावर का। तो आप नेट पे भी इसको सर्च करना, एनाजीजस के जो इन्फ्लोरोसेंस है उसमें हेड बना हुआ रेसिमोज हेड हमको दिखाई देता है, यानी गोले जैसा जो इन्फ्लोरोसेंस है वो हमको दिखाई देगा, ठीक है। फ्लावर जो है ये होते हैं जनरली ब्रैक्टेड, ब्रैक्ट इसमें उपस्थित है। बाईसेक्सुअल फ्लावर है, यानी कि दोनों सेक्स ऑर्गन्स इनमें प्रेजेंट हैं। एक्टिनोमॉर्फिक हमको ये दिख रहे हैं, दोनों क्विस्केलिस और कॉम्ब्रेटम दोनों में हमको एक्टिनोमॉर्फिक कंडीशन दिखती है। लेकिन कुछ कुछ इसके फ्लावर्स हैं जिनमें प्लांट हैं जिनमें कि हमको जाइगोमॉर्फिक कंडीशन भी रेयरली दिखाई दे जाती है। जनरली ये पेंटामेरस होते हैं, पेंटामेरस मतलब पंचतई, लेकिन जिनमें कि जाइगोमॉर्फिक अरेंजमेंट है उनमें हमको इसमें करीब 7-8 तक हमको जो पेटल सेपल है उनका अरेंजमेंट दिखाई देता है। क्योंकि हमको क्रिस्केलेस करना है तो हम मेनली ध्यान देंगे पेंटामेरिस, इसको बताएंगे क्योंकि हमको तो 5 ही इसमें दल दिखाई दे रहे हैं अभी, ठीक है। एपिगाइनस कंडीशन है, एपिगाइनस का मतलब हो गया ओवरी हो गई इन्फीरियर, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, यही हमने पढ़ा था मेरेटेल्स के जितने भी मेंबर्स थे उनके अंदर हमको ओवरी इन्फीरियर दिखी थी, ठीक। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ों पे थोड़ा सा ध्यान दे दो और पिछली फैमिलीज को साथ साथ पढ़ते चलो, नहीं तो फिर सब घचड़ पचड़ हो जाने वाला है। कितनी फैमिलीज हमने पढ़ी उन सब में जनरली आपने देखा सब में इन्फीरियर ओवरी है, एक आध को छोड़ के, ठीक है। ट्यूबुलर जो है रिसेप्टिकल होता है, यानी फ्लोरल रिसेप्टिकल जो है, यानी पुष्पासन जो है उसका अरेंजमेंट यहाँ पर अलग तरीके का हो जाता है, क्योंकि कैलेक्स यहाँ पर भी एक ट्यूब बना रहा है और ये ट्यूब जो है ये इस फैमिली का स्पेशल लक्षण होता है, ठीक।
और ये देखिए ये लिखा हुआ है रिसेप्टिकल अलोंग विद एडेनेट ट्यूबुलर बेस ऑफ कैलेक्स, यानी कैलेक्स के द्वारा मिलने से और जो रिसेप्टिकल खुद दोनों मिलके एक ट्यूब बनाते हैं, एडेनेट मतलब संयुक्त होकर, कैलेक्स के क्या सेपल्स, सेपल्स आपस में संयुक्त होकर एक ट्यूब का निर्माण करते हैं, और ये ट्यूब जो है इसको हम कहते हैं हाइपेंथियम। तो हाइपेंथियम का निर्माण यहाँ पर हमको दिखाई देता है, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि कभी कभी एकव्याह सम्मित होते हैं, तो एकव्याह सम्मित में यानी कि पुष्प जो है दो पंचतई नहीं होंगे उसमें, या तो तीन आपको वो मिलेंगे पेटल्स सेपल्स मिलेंगे, या फिर जो है 8 तक सेपल्स आपको मिल सकते हैं अलग अलग तरह के फ्लावर्स के अंदर। क्योंकि हमको वही शक्ल केवल क्रिस्केलिस की याद आ रही है, तो हमें तो 5 दिखाई दे रहा है, तो अगर आप 5 भी लिखते हो तो गलत नहीं होगा, ठीक है। कैलेक्स जो है यूजुअली 5 होते हैं, जैसे आपको बताया सेपल 5 है इसमें, और फ्यूज होके ट्यूब बना रहे हैं। और ये ट्यूब जो है कितनी सेपल से मिलकर बनी है, 5 से भी मिलकर बन सकती है, अगर मान लीजिए 5 से ऊपर नीचे यानी कम ज्यादा अगर सेपल्स है तो वो भी मिलकर क्या बना रही है, ट्यूब बना रही है। तो कुल मिला के हमको ये लिखना है कि जो सेपल्स होती है वो फ्यूज करके ट्यूब बनाती है, और ये जो स्ट्रक्चर है ये हाइपेंथियम कहलाता है। और ऊपर से जब आप देखोगे जहाँ ट्यूब बन गई वो तो ठीक है ना, वो डायग्राम भी आप व्हाट्सएप पे देख लीजिए, लंबी सी एक ट्यूब बनी हुई है, और सेपल जो है कुछ कुछ फ्लावर्स में आपको उल्टे जो लटके हुए फ्लावर्स हैं उनमें आपको सेपल्स भी दिखाई दे रहे हैं, ग्रीन कलर के छोटे छोटे से सेपल्स दिख रहे हैं उन फ्लावर्स के अंदर बैक साइड में। और ये सेपल्स जो है इनका अगर हम अरेंजमेंट की बात करें तो ट्यूब बनती हुई आ रही है ऊपर से ही, बस ये अलग अलग हो रहे हैं, तो ये क्या होता है कोरस्पर्शी अरेंजमेंट हमको ऊपर से दिखाई देता है इसका। और कभी कभार जब बड फॉर्म होती है इनकी, कॉम्ब्रेटम है या कुछ और प्लांट्स है उनके अंदर बड फॉर्म में हमको इनका इम्ब्रिकेट अरेंजमेंट भी दिखाई दे सकता है, लेकिन जनरली हमको वेलवेट अरेंजमेंट दिखता है क्योंकि ट्यूब्स का फॉर्मेशन हो चुका है। नेक्स्ट वी कम टू कोरोला। अब कोरोला जो है आपको दिख रहे हैं कलर कलरफुल है, पिंक वाइट है ना रेड, इस तरह के इसमें कलर्स दिखाई दे रहे हैं हमको। पेटल्स जो है 5 ही दिख रहे हैं हमको, और ये क्या करते हैं, ये पेटल्स जो होते हैं ना, ये पेटल्स और सेपल एक दूसरे को अल्टरनेट करते हैं, ऐसे नहीं कि जहाँ पे सेपल है वहीं पर ही आपको पेटल लगा उसी के ऊपर पेटल बनेगा, नहीं ऐसा नहीं होता। इसमें एक स्पेशल चीज़ होती है कि ये जो पेटल्स हैं वो अल्टरनेट ऑर्डर में होती हैं सेपल के, यानी कि बाह्य दल और दल एक दूसरे से अल्टरनेट ऑर्डर में एकांतर क्रम में व्यवस्थित होते हैं। ये स्पेशल एक कैरेक्टर हमको यहाँ पर देखने को मिलता है। कोरोला में जो जितने भी पेटल्स हैं ना वो सब फ्री हैं, मतलब कि एक दूसरे से अलग अलग है पूरी तरह से, कोई इनको फर्क नहीं पड़ रहा कि कैलेक्स ने जो है वो ट्यूब बना ली है, ये तो पूरी तरह से जहाँ से ओरिजिन हो रहा है इनका वहीं से ये सेपरेट होते हैं, फ्री होते हैं। और इनमें भी अरेंजमेंट जो है देखो, आप फूल को अगर आप देखोगे ध्यान से तो खूब सारा गैप है, दो पेटल्स के बीच में काफ़ी सारा गैप है, इसका मतलब कि ये कुछ ट्विस्टेड इम्ब्रिकेट तो नहीं होंगे। जनरली ये वेलवेट अरेंजमेंट ही हमको दिखाई देता है किसके अंदर, जब हम फ्लावर को देख रहे हैं, मतलब फूल खिले हुए फूल को देख रहे हैं, लेकिन हमको असली चीज़ का पता तब चलता है जब वो बड फॉर्म में है, जब वो खुले नहीं है फ्लावर, तो तब अगर हम सेक्शन कटिंग करें इनकी तो हमको पता चलता है कि क्विस्केलेस के अंदर हमको ट्विस्टेड फॉर्म दिख रही है कोरोला की। पेटल्स जो है वो ट्विस्टेड हो सकते हैं या इम्ब्रिकेट हो सकते हैं, तो इसके लिए हमको ज़रूरी होता है कि हम इसकी बड फॉर्म की सेक्शन कटिंग करें, तब जाके हमको इसका अरेंजमेंट प्रॉपर दिखाई देता है। क्योंकि खुलने के बाद तो सारे फ्लावर्स जो हैं वो दूर दूर उसकी पेटल्स दूर दूर हो जाती हैं और हमको वेलवेट एस्टिमेशन जो है वो ही दिखाई देता है। अब इंटरेस्टिंगली एक जो अलग चीज़ है वो सब बाकी क्रिस्केलिस और कॉम्ब्रेटम से, वो है कि भाई टर्मिनेली अर्जुना जो है उसके अंदर हमको पेटल्स मिलते ही नहीं है, क्योंकि इसका इन्फ्लोरेसेंस बिल्कुल डिफरेंट तरीके का है। अगर आप इसको नेट पे सर्च करोगे तो आपको दिखेगा कि फ्लावर जो है ना उसमें केवल आपको एंथर दिख रहा है, और जो पेटल्स है पूरी तरह से एब्सेंट है, ग्रीन कलर का एक इन्वॉल्यूक्री टाइप बना हुआ होता है उसके ऊपर ये जो है डायरेक्ट एंथर्स लगे हुए जो एंड्रोशियम जो है उनका डेवलपमेंट आपको दिखाई देगा। तो ये इंटरेस्टिंग चीज़ है कि टर्मिनेलिया के अंदर पेटल्स एब्सेंट होते हैं, ठीक है। तो ये आपको बात समझ में आ गई। नेक्स्ट वी कम टू
कि भाई इसका एंड्रोशियम कैसा है। तो एंड्रोशियम में देखिए सबसे इंटरेस्टिंगली क्या होता है, यहाँ पर हमने अभी मिरेटेसी में दूसरा आपको यूकेलिप्टस मैंने पढ़ाया था है ना, उससे पहले मैंने आपको कैलस्टिमोन और जो यूकेलिप्टस पढ़ाया दोनों के अंदर हमको इन्फिनेट दिख रहे थे एंड्रोशियम। ठीक है, यहाँ पे ये हालांकि मिरेटेल्स के मेंबर हैं लेकिन हमको एंड्रोशियम जो है वो 10 या 10 के मल्टीप्लिकेशन में मिलते हैं, यानी कि 10 10 आपको एंथर मिल रहे हैं। और ये जो है 10 में से भी 2 अलग अलग वोल्स में व्यवस्थित होते हैं, यानी 5 5 के 2 वोल्स आपको दिखाई देंगे, 2 चक्र दिखाई देंगे अलग अलग। ठीक है, तो और इनका इंटरेस्टिंगली अरेंजमेंट ऐसा होता है कि ये जो है एक चक्कर तो पेटल के सामने बनता है, मतलब जो एंथर बनेगा ना वो पेटल के सम्मुख होगा, और दूसरे चक्कर के जो एंड्रोशियम है वो सेपल के सम्मुख होंगे, यानी 2 अलग अलग चक्कर हैं, दोनों एक दूसरे से अल्टरनेट पर उगते हैं। तो ये डायग्राम भी मैंने आपको व्हाट्सएप पे सेंड किया है कि किस तरह से एंड्रोशियम का अरेंजमेंट होता है, अगर आप खोल के देख सकते हैं तो देखिए उसमें कि 2 चक्र है, एक में लिखा हुआ है आउटर वाला है ना, आउटर जो वोल है उसके अंदर आपको जो पेटल्स हैं वो दल की तरफ मतलब दल के सम्मुख लगे हुए दिखाई दे रहे हैं, और जो इनर वाला वोल है वो बाह्य दल के सम्मुख, क्योंकि दल और बाह्य दल भी तो एक दूसरे के अल्टरनेट थे ना, तो इस तरह से एक दूसरे के अल्टरनेट ऑर्डर में लगे हुए हमको एंड्रोशियम दिखते हैं, जो कि इनकी संख्या है 10 है ना। तो आपको यहाँ समझ में आ गया 10 जो है एंड्रोशियम यानी सेपल, सेपल नहीं सॉरी स्टेमन, वो जो है पेटल और सेपल के सम्मुख लगे हुए होते हैं 2 वोल्स में। ठीक है, आउटर वोल जो है वो है एंटी सेपलस, मतलब सेपल के अगेंस्ट अल्टरनेट ऑर्डर पे, और जो इनर वोल है वो एंटी पेटलस होता है। तो ये 2 शब्द हैं जिनकी कोई खास बात नहीं है, इतना घबराने की जरूरत नहीं है कि क्या मुसीबत आ गई है, ऐसा कुछ नहीं है। आप डायग्राम में देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि 2 चक्र हैं, किस तरह से उनका विन्यास है और किस तरह से वो व्यवस्थित है। ठीक है, कभी कभार कुछ प्लांट्स में जैसे मैंने आपको बोला कि 5 नहीं होते, हर कुछ 5 का मल्टीप्लिकेशन में नहीं है, तो उसमें आपको 4 से 5 स्टेमन्स जो है वो अलग अलग तरीके से लगे हुए दिखाई देते हैं कुछ में। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो कि फैमिली में हमको देखने को मिलेगी, दैट इज़ कि जब ये बड फॉर्म में होते हैं ना, जब ये फ्लावर खिले नहीं है बड है, तो उस टाइम एंड्रोशियम जो है ना ये खुलते ही नहीं है, बैंड हो जाते हैं। और ये जो तरीका होता है ना एंड्रोशियम का बैंड होना, यानी इनकी फिलामेंट जो है वो इनफ्लेक्स्ड रहते हैं बड के अंदर, यानी घूम के मुड़े हुए रहते हैं, टर्न हो जाते हैं है ना। तो ये एक इनका स्पेशल कैरेक्टर है जो कि हमको यहाँ देखने को मिलता है। और जो एंथर है, एंथर डाइशियस होते हैं, ये आपको पता है, डाइशियस नहीं थोड़ी डाइथिकस होते हैं, जो कि डाइथिकस का मतलब द्विकोष्ठीय होते हैं, वर्सेटाइल होते हैं, वर्सेटाइल मतलब जो कि जो फिलामेंट है उस पर मूव कर सकते हैं, और डाइसिंग जो है इनका, डाइसिंग मतलब इनका फट के रिलीज होना जो है वो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पर होता है, यानी कि अनुप्रस्थ या अनुदैर्ध्य काट काट के फॉर्म में इनका जो रिलीज है वो होता है। गाइनोशियम की अगर हम बात करें तो गाइनोशियम में देखिए आपको कार्पल्स की संख्या जो है वो 4 से 5 तक दिखाई दे रही है, यानी मैक्सिमम 4 से 5 कार्पल्स आपको मिलती है। लेकिन नॉर्मल कंडीशन में जैसे कि हमने यहाँ क्विस्केलिस देखा हुआ है, क्विस्केलिस के अंदर हमको जो है गाइनोशियम की संख्या, इसमें भी 4 ही लिखी हुई है, खैर करीब करीब 3 से 4 तक इसमें जो है वो मल्टीप्लिकेशन में कार्पल की संख्या होती है, कॉम्ब्रेटम में और कम होगी शायद, तो 4 से 5 कार्पल्स होती हैं। सिन कार्पस कंडीशन में होती हैं, ये आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं। ओवरी आपको मैंने मेरेटेल्स के कैरेक्टर्स में ही बता दिया कि ओवरी इन्फीरियर होगी, तो ओवरी जो है वो आपको कैलिस्टिवॉन में भी इन्फीरियर मिली थी, यानी बॉटल ब्रश के अंदर भी इन्फीरियर मिली थी, यूकेलिप्टस में भी इन्फीरियर मिली थी। तो कॉम्ब्रेटम की जो मेन आप मेंबर्स पढ़ रहे हो, यानी कि क्विस्केलेस है ना, उसमें भी आपको इन्फीरियर ओवरी मिलती है विद यूनिलोक्युलर ओव्यूल, यूनिलोक्युलर कंडीशन। तो यूनिलोक्युलर कंडीशन का मतलब है एक लॉक्यूल होगा
जिसके अंदर दो कार्पल्स होंगी और वो ओवरी जो है वो इन्फीरियर होगी। अच्छा, अब इंटरेस्टिंगली एक चीज़ जो इसमें फिर एक आपको ध्यान रखनी है, दैट इज़ कि जो लॉक्यूल इसके अंदर होता है, यानी कि इस जिसमें ये जो एक लॉक्यूल इसके अंदर या एक चैम्बर वाली ओवरी आपको दिख रही है, दैट इज़ दी दिस, इसमें कुछ डिज़ाइन दिख रही है आपको, यानी कि इसमें एंगल्स दिख रहे हैं आपको, 1 2 3 4 5 और 6, तो 6 एंगल्स आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ये एंगुलर चैम्बर हम इसको कहेंगे। इसके अंदर बीच में डायग्राम ही नहीं दे रखा ओवरी का, तो इसका डायग्राम हमको ये वाला बनाना पड़ता है ना। जब आप बनाएंगे तो आप ध्यान रखिएगा, इस तरह से आप इसके अंदर यूनिलॉक्यूलर कंडीशन में ओव्यूल को पेंटुलेट, देखो आप यहीं पर समझ लीजिए, यहाँ पर देखो ऐसा हो रहा है कि ऊपर की तरफ से जहाँ पर वो जा रही है ना स्टिग्मा और स्टाइल का जो पोर्शन है, वहाँ की तरफ से यहाँ पर ओव्यूल उल्टा लटका हुआ होता है। तो ये उल्टा लटके हुए जो ओव्यूल कंडीशन जो होती है, इसको हम कहते हैं पेंडुलर। तो पेंडुलर फॉर्म में हमको यहाँ पर ओव्यूल्स लटके हुए दिखाई देते हैं। तो ये इसका एक अलग कैरेक्टर है। इसको हम कहते हैं कि भाई जो एक तो क्या क्या बात आपने देखो स्पेशल देखी, वापस देख लेते हैं हम एक बार। कार्पल जो थी वो 4-5 हो सकती है ना, सिनकार्पस कंडीशन होती है, ठीक है। ओवरी इन्फीरियर है, यहाँ भी समझ में आ गई आपको। यूनिलॉक्यूलर है, एक लॉक्यूल हमको मिल रहा है। एंगुलर और रिब्ड, जिसमें कोने निकले हुए हैं, है ना, डिज़ाइन आपको दिखी, 6 कोने निकले हुए हैं, विथ एज मैनी एंगल्स और रिब्स एज कैलेक्स। कितनी ये कोने निकलेंगे ये इस बात पर निर्भर करता है कि आपके भैया कैलेक्स कितने हैं। अगर कैलेक्स, जैसे मैंने कैलेक्स में पढ़ाया था आपको कि 5 भी हो सकते हैं, 5 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, 8 तक कैलेक्स हो सकते हैं। तो जितनी संख्या में कैलेक्स होंगे, उतनी कैलेक्स लोब है, उतनी संख्या में हमको ओवरी के एंगल्स भी दिखाई देते हैं, जो लॉक्यूल के एंगल्स हैं वो भी हमको दिखाई देते हैं, ठीक है। ओव्यूल देखिए अब आप, ओव्यूल है 2 से 6 तक, और एनाट्रोपस यानी प्रतीप ओव्यूल है, ये तो हमें पता है एंजियोस्पर्म्स में होते ही प्रतीप है, कोई नई बात नहीं है हमारे लिए। नेक्स्ट इज पेंडुलस, पेंडुलस मतलब उल्टे लटके हुए, है ना, लटकी हुई कंडीशन जो होती है। पेंडुलस फ्रॉम द टॉप ऑफ द लॉक्यूल, यानी कि लॉक्यूल के ऊपरी भाग से ओव्यूल जो है उल्टे लटके हुए कंडीशन में हमको दिखाई देते हैं। दिस इज द इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, स्टाइल जो है वो सिलेंड्रिकल दिख रही है, सॉलिटरी है मतलब एकल है, एक ही स्टाइल है। स्टिग्मा जो है पॉइंटेड और कैपिटेट मतलब मुंडक फॉर्म कर रही है, या फिर पॉइंट में जाके खत्म हो रही है, तीखी होती है, नुकीली है ना। और ओवरी सराउंडेड बाय नेक्टेरीफेरस डिस्क, तो ये जो है नेक्टेरीफेरस डिस्क का मिलना, नेक्टस का मिलना, मकरंद ग्रंथियों का मिलना, ये इसको अलग तरह की खुशबू जो है वो प्रदान करता है। और इसीलिए मधुमालती के जितने भी प्लांट होते हैं, या क्रिस्केलेस या कॉम्ब्रेटम वगैरह है, इनमें हमें एक अलग सी स्मेल जो है वो इन प्लांट्स में आती है। तो ये आपको समझ में आई, इसका स्पेशल कैरेक्टर ओवरी का क्या हुआ कि इसमें पेंडुलर जो है हमको ओव्यूल दिख रहा है और रिब्ड लॉक्यूल दिख रहा है। तो थोड़ा सा अब आपको एमएससी के हिसाब से माइन्यूट तरीके से पढ़ाई करनी पड़ेगी। कॉमन कैरेक्टर्स तो आप सारे ही लिख देते हो, लेकिन आपको स्पेशल चीज़ लिखोगे तभी आपको जो है वो सही मार्क्स मिलेंगे। दिस इज़ द फ्लावर, अब आपको मैंने फ्लावर भेज ही दिया था। दिस इज द ट्यूब, ये ट्यूब जो है ना ये आपको बता रही है हाइपेंथियम का बनना, ठीक है, जो कैलेक्स से बनी हुई है ना। अब आप इसकी जब सेक्शन कटिंग करते हो तो देखिए आप, ओवरी क्या है, इन्फीरियर है, तो ओवरी नीचे की तरफ है, या ये जो फूला हुआ भाग है इसमें आपको ओवरी मिलेगी, यानी फ्लावर तो आपको यहाँ मिल रहा है और ओवरी आपको नीचे मिलेगी, इतनी तो समझ में ही बात। ओवरी का सेक्शन कटिंग आपको यहाँ से करना पड़ेगा, और फिर आप इसको पूरा खोलोगे तो खोलने पे आपको दिखेगा इसमें स्टिग्मा स्टाइल पूरी, है ना, और इधर की तरफ आपको मिलेंगे स्टैमंस, जो कि स्टैमंस की संख्या कितनी है आपको, जैसे कॉम्ब्रेटम में मैंने बताया या क्रिस्केलिस में मैंने बताया 5 है, तो 10 है, 5-5 के वोल्स में अरेंज है। तो आपको यहाँ पे ये देखना पड़ेगा कि एक मिनट देखने देना मुझे कौन आया, कौन है स्वस्ती, कौन था, अरे यार इरिटेट करता है। हाँ, तो ये स्टैमन जो है ये 5-5 के वोल्स में प्रेजेंट है, सेपल्स और पेटल्स के साथ साथ, ओके।
आप देखिए यहाँ पे एंथर की जो हमने बात की थी, स्टैमेन में ये फिलामेंट है, फिलामेंट में ये दो लोब्स है ना, ये लोब्स, अब फिलामेंट जो है वो लोब्स पे इस तरह से लगा हुआ है कि ये जो लोब्स हैं ये मूव कर सकते हैं फिलामेंट के ऊपर, इसको हम कहते हैं वर्सेटाइल, है ना। ये आपको बंच दिखाई दे ही रहा है ना, जो कि रेसिमोज बंच है पूरा। यहाँ पे आपको ओवरी की एलएस सेक्शन दिख रही है ना। इस एलएस सेक्शन में आपको ओव्यूल जो है वो इस तरह से उल्टा लगा हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आप इसकी टीएस काटोगे तो आपको कैसा दिखेगा, लॉक्यूल के अंदर यानी ओवरी के अंदर एक गोला ही दिखाई देगा, है ना, जो कि ओव्यूल है ना। तो इसका डायग्राम जो है वो इस तरह से हमने बना रखा है, या तो आप इसी फॉर्म में बना दीजिए, या फिर आपको समझाना है तो एक गोला बना के उसमें आप ओव्यूल को पेंडुलर फॉर्म में दिखा दीजिए। फ्रूट आपको जो है वो बादाम जैसा दिखता है, जिसमें कि मार्शी, आपने बादाम देखा है कच्चा बादाम, तो उस पे ग्रीन कलर का जो कवर होता है वो कैसा होता है, फ्लैशी लहदरी सा कवर होता है, उसके ऊपर जो उसका अंतश्चर्म है जिसको आप मतलब इनर वॉल कहते हो, वो होती है वुडी कास्टी है। तो इस तरह का जो फ्रूट है वो हमको यहाँ पर दिख रहा है, जैसे कि फ्रूट लैदरी है, वन सीडेड ड्रुप है ना, ड्रुप जिसको हम कहते हैं। और इस पे विंग्स तो खैर हमको किसी प्लांट में जो हमने देखे हैं उनमें नहीं मिल रहे हैं। तो बादाम जैसे ये प्लांट होते हैं, सीड जो है इसका एंडोस्पर्मिक है, और एम्ब्रियो इसके अंदर फोल्डेड फॉर्म में, कन्वोल्यूटेड फॉर्म में हमको दिखाई देता है, कॉटिलेडन्स भी फोल्डेड फॉर्म में रहते हैं। तो ये हमको जनरल इसका डिस्क्रिप्शन दिखाई दिया। अब हम इसके फ्लोरल फार्मूला की बात कर लेते हैं। तो फ्लोरल फार्मूला में देखिए भाई क्या क्या चीज़ें हमें दिखाई दे रही हैं। ब्रैक्ट प्रेजेंट है फ्लावर पे, जो कि हमको यहाँ पर हमने शायद डिस्क्राइब नहीं किया ब्रैक्ट्स के बारे में। देखिए ब्रैक्ट हमने, हाँ ब्रैक्टेड कहा है, ब्रैक्टेड फ्लावर है, तो ये तो हमको फ्लावर में ही देखना पड़ेगा भाई। ब्रैक्ट इस तरफ लगा हुआ हमको दिखाई देगा, नीचे की तरफ जहाँ से ये फ्लावर ओरिजिनेट हो रहा है। एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर है, तो हमारा क्रिस्केलिस तो एक्टिनोमॉर्फिक है, तो हम इसी के बारे में लिखेंगे। बाइसेक्सुअल दिख ही रहा है, कैलेक्स 5 है, आपस में जुड़ के हाइपेंथियम बना रहे हैं, इसलिए हम इसको ब्रैकेट में बंद कर रहे हैं। कॉरोला जो है 5 है, फ्री फॉर्म में है, और एंड्रोशियम जो है वो 5-5 के 2 वोल्स में अरेंज है, और जो गाइनोशियम है उसमें हमको 4 से 5 कार्पल्स दिख रही है, और इन्फीरियर ओवरी दिख रही है, सिनकार्पस कंडीशन है, जुड़ी हुई कंडीशन है। तो ये हमारा हुआ डिस्क्रिप्शन फ्लोरल फॉर्मूला का। फ्लोरल डायग्राम की अगर हम बात करें तो उसी हिसाब से हम फ्लोरल डायग्राम बनाएंगे। सबसे पहले ब्रैक्ट प्रेजेंट है, कैलेक्स है 5-6 जितने भी हमको दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि हमें क्रिस्केलेस करना है तो हमें 5 बनाने हैं, 5 को आपस में जोड़ना है, तो हमने इनको कनेक्ट कर दिया है, और इसको हमने गैमो कंडीशन में कर दिया है, यानी गैमो सेपलस कंडीशन हो रही है। फिर उसके बाद अगर हम क्रिस्केलेस की ही स्पेसिफिक बात करेंगे तो हम यहाँ पर ट्विस्टिंग दिखाएंगे। ट्विस्टेड फॉर्म हमें कैसे पता चली, फ्लावर खिला हुआ है तो हमें अलग अलग दिख रहा है, बट हमको इसकी बड को जब हमने सेक्शन काटा बड का, तो हमको ट्विस्टेड फॉर्म दिखाई दी। नेक्स्ट वी कम टू एंड्रोशियम में, एंड्रोशियम जो है ये 5 है जो है आउटर वॉल में प्रेजेंट है, 5 जो है इनर वॉल में प्रेजेंट है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 5 जो आउटर वॉल में प्रेजेंट है वो कॉरोला के तो सम्मुख है, लेकिन कैलेक्स के एंटी जो सेपलस कंडीशन में होते हैं, तो हम ये कहेंगे कि ये कैलेक्स के एंटी सेपलस कंडीशन के अंदर प्रेजेंट है, और ये जो है एंटी पेटलस कंडीशन में है, 2 पेटल्स के जोड़ वाले भाग पर प्रेजेंट है। ठीक है, ये आपको दिख रही है एंगुलर लॉक्यूल, जिसमें कि आपको लॉक्यूल्स की संख्या जो है करीब करीब 5 या 6 दिखाई दे रही है, और इसमें गाइनोशियम के अंदर आपको 1 या 2 ओव्यूल जो है वो जो क्या कहेंगे लटके हुए पेंडुलर फॉर्म में आपको दिखाई दे रहे हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट कॉम्ब्रेटेसी, एंड दिस इज़ द लास्ट फैमिली जो कि हमको पढ़नी थी। इसमें कहीं किसी को दिक्कत है तो पूछिए। ये जो है ना, इसके आप प्रैक्टिकल करना शुरू करेंगे तो कॉम्ब्रेटेसी में आप मधुमालती, या जो आपने ये प्लांट लिया है क्रिस्केलिस, इसका पूरा डिस्क्रिप्शन इसी तरह से जैसे हम बाकी प्रैक्टिकल्स को कर रहे हैं ना, स्टेम से शुरू होके क्लासिफिकेशन तक का पूरा जो है डिस्क्रिप्शन विद डायग्राम, जो कि डायग्राम आप चाहे तो नेट से सर्च करें या कैसे भी करें, आपको ये फाइल में लिखना है। और दूसरा जो एक प्लांट हमको नहीं मिला था और जिसको हमें करना था, एक तो क्रिस्केलिस लिखी दोगे, कुकुरबिटेसी के आपने 2 कर ही लिए हैं, और एक कौन सी फैमिली है जिसका, स्टरकुलेसी,
स्टर कुलेसी का शायद आपने कोई भी मेंबर नहीं किया है, तो वो उसके लिए कौन सा मेंबर बताया था मैंने स्टर कुलेसी का आपको करने के लिए, कौन सा मेंबर करना था स्टर कुलेसी का?